हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया था कि कौन से सब्जेक्टों में पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्टों में बाद में पढ़ना है एंड कितने दिनों में कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। सो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसमें हम इसको कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेबस एग्ज़ाम तक टोटली कम्प्लीट हो जाए, मीन्स की टोटली नहीं तो फिर भी अप्रॉक्स 90% सिलेबस कवर हो जाए कि हम एग्जाम तक कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में हमें। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, इसको हमें दो पार्ट में पढ़ना है। सबसे जो पहला पार्ट हो गया वो हो गया हमारा लैग्रांजे मल्टीप्लायर से पहले पहले तक, एंड सेकेंड पार्ट है मल्टीपल इंटीग्रेशन के बाद और यहाँ तक वॉल्यूम तक। सो जो हमारे क्लासेज है उसमें भी सेम वे में हमें मॉड्यूल वन करवाया गया कि पहले हम लैग्रांजे मल्टीप्लायर तक हमें किया गया, फिर हम मॉड्यूल थ्री किया, फिर हमने मॉड्यूल फोर किया, देन हमने दोबारा फिर मल्टीपल इंटीग्रेशन से आगे कंटिन्यू किया। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है मॉड्यूल वन का, लाइक लिमिट कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स एंड ये मैक्सिमम मिनिमा एंड मेथड ऑफ लैग्रांजे मल्टीप्लायर, इसमें हमारा डिफ्रेंशिएशन यूज है। इसमें हमारा क्या यूज है? डिफ्रेंशिएशन। एंड डिफ्रेंशिएशन का आगे मॉड्यूल थ्री में भी यूज है एंड मॉड्यूल फोर में भी यूज है। तो इसीलिए हमें पहले मॉड्यूल वन करवाया गया सो डेट कि, और मॉड्यूल वन का हमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पहले करवाया गया सो डेट कि हमें थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाए, हमें थोड़ा रिविजन हो जाए डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन 12th में पहले पढ़े हुए हैं और थोड़ा बहुत आइडिया है हमें। तो इसीलिए पहले हमें लिमिट कंटिन्यूटी करवाया गया। तो हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का तो हम मॉड्यूल वन से स्टार्ट करेंगे और पहले हम करेंगे लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव, देन टोटल डेरिवेटिव, देन मैक्सिमम मिनिमा एंड देन लैग्रांजे मल्टीप्लायर। अब इसमें जो एक टॉपिक है लैग्रांजे मल्टीप्लायर एंड मैक्सिमम मिनिमा, ये जो हमारा टॉपिक है मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स एंड लैग्रांजे एंड ये मैक्सिमा भी, इससे पेपर में क्वेश्चन आना कंफर्म है, मींस कि 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन 10 नंबर में आए या फिर 4 नंबर में आए, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमें बस एक या दो स्टेप है जो हमें रिमाइंड रखना है और वो स्टेप हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये जो ऊपर टॉपिक है लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड ये पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन टोटल डेरिवेटिव, इससे हमें क्वेश्चन 2 मार्क्स में, जनरली 2 मार्क्स में आएंगे, लेकिन अगर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा तो वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो हमारा इससे बन सकता है पार्शियल डेरिवेटिव से, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड टोटल डेरिवेटिव से। इसमें करना कुछ नहीं है, अगर हमें डेरिवेशन आता है तो हम इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस इनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन उससे हमें मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करते जाएंगे, जिसका हमें गिवन होगा इसको डिफरेंशिएट करना है, देन इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो हम ये टॉपिक कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कि हम एक दिन में मॉड्यूल वन का इतना पोर्शन कंप्लीट कर ले। लैग्रांजे मल्टीप्लायर तक का जो हमारा टारगेट है वो 1 डे है। अब या फिर अब वो डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़े, या फिर अगर आप क्विक लर्नर हैं तो आप दिन के 4 घंटे भी करेंगे तो 4 घंटे में टॉपिक मतलब इजिली हो जाएगा। कहाँ तक? लैग्रांजे मल्टीप्लायर तक। एक दिन में टॉपिक आसानी से हो जाएगा और ये इजी है, बहुत कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको हाफ दिन इसमें देना है, मतलब आधा दिन आपको दो टॉपिक में देना है, वो हो गया मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट्स एंड लैग्रांजे मल्टीप्लायर। इसमें आपको दो दिन ही मतलब आधे दिन इसमें आपको देना है मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रांजे मल्टीप्लायर, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। एंड जो बचे हुए टाइम होगा वो आपको देना है लिमिट कंटिन्यूटी एंड ये पार्शियल डेरिवेटिव एंड टोटल डेरिवेटिव, ये हो गया आपका 1 डे। हमारे पास टोटल मैथ्स के लिए है 7 डेज एंड प्लस जो 2 डेज है जो एग्जाम के बीच में है, मीन्स जो एग्जाम गैप है वो है 2 डेज प्रिपरेशन के लिए, जो एग्जाम के बीच में टाइम मिला हमें, तो टोटल हो गया 7 + 2 9 डेज, हमारा 1 डे यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम मॉड्यूल 1 हाफ करने के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे किस पे? मॉड्यूल 3 पे आएंगे। अब मॉड्यूल 3 के बाद मॉड्यूल 4 करेंगे, और मॉड्यूल 4 में क्या है कि इससे क्वेश्चन जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आता है, लेकिन वो कैसे आता है कि उन्होंने वो ऐसे करेंगे कि एक क्वेश्चन दे देंगे आपको मॉड्यूल 3 से, एक क्वेश्चन मॉड्यूल 4 से,
एंड उनको पांच पांच नंबर में डिवाइड कर देंगे, या फिर वो डिवीजन करके, या फिर एक क्वेश्चन में तीन पार्ट हो जाएगा एक ही क्वेश्चन का, उन तीनों में मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें जो पढ़ना है, एक तो जो एग्जैक्ट है, अब एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट का आपको सिंपल सा डेफिनेशन होगा, एक क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज एग्जैक्ट, ये दो नंबर में आ सकता है, एंड लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन, इससे क्वेश्चन चार नंबर में भी आ सकते हैं, या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बस जो मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 है, आपको बस ये माइंड में रखना है कि हाँ मॉड्यूल 3 में क्या हो रहा है, मॉड्यूल 4 में क्या हो रहा है, और जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप उनका जो डेफिनेशन होगा, मतलब वो उनका जो डेफिनेशन होगा उसमें ये बता रहा है कि लीनियर या फिर बर्नौली इक्वेशन होते क्या है, एग्जैक्ट हम किसको बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, अगर ये हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूलर इक्वेशन है, फिर इक्वेशन नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, अब जो इक्वेशन फर्स्ट डिग्री के नहीं है उनके भी टाइप्स हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड क्लेरिट टाइप। तो इनमें क्या है कि आपको क्वेश्चन का डेफिनेशन माइंड में रखना है, अगर आप डेफिनेशन आपको पता है कि हाँ इसमें ये प्रोसेस होता है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता हो, और वो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इसमें ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ही कुछ मतलब अप्रोक्स 10 फॉर्मूलाज होंगे जिनका इस पूरे मैथमेटिक्स में यूज है, बस 10 फॉर्मूले होंगे, उससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं और क्या यूज होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि हाँ ये मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो उन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उन क्वेश्चन में कौन से डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, इन टॉपिक्स में मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 1 में कौन सा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला ज्यादा यूज हो रहा है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हमें सभी टॉपिक्स को करना है, और मॉड्यूल 3 भी आपका 1 डे में हो जाना चाहिए, या फिर 1.5 1 डे, या फिर 1.5, या फिर अगर आप स्लो हैं तो 2 डेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी 1 डे कवर हुआ है, हमारे पास अभी 6 डेज और बचे हैं, तो हम इसको अगर हम 3 डेज में कर लें, या फिर सॉरी 2 डेज में इसको हम कवर करेंगे, 2 डेज में, और ये 2 दिन में इजिली कवर हो जाएगा। मीन्स आपको एक दिन में क्या करना है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आपको एक दिन में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, एग्जैक्ट लीनियर एंड बर्नौली इक्वेशन, यूलर इक्वेशन एंड यहाँ तक यूलर इक्वेशन तक आपको एक दिन में कवर करने हैं। अब आप एक दिन मतलब 1 डे आप इस पे देंगे तो इसमें ये होगा कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसमें क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, अगर आप स्लो है तो आप इसको पूरे एक दिन दे सकते हैं, अगर आप मतलब आपको जल्दी समझ में आ रहा हो तो आप एक दिन में टाइम बचा जाए तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा इजी टॉपिक है, और इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ठीक है मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं आगे कर सकता हूँ, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आपको थोड़ा बहुत इस एक दिन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले थोड़ा बहुत रिवाइज करने हैं जो टाइम बचेगा उसमें। ये हो गया कवर आपका, फिर आप मूव करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई एंड सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड क्लेरिट टाइप। ये जो क्लेरिट टाइप है ये अप्रोक्स आधे घंटे का टॉपिक है, जो क्लेरिट है ये हाफ एन आवर का टॉपिक है, इसमें इससे ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, 2 मार्क्स में आएंगे, अगर आने होंगे तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, और ये आधे घंटे का टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मेन होगा कि क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर पी वाई एंड एक्स, तो इन तीनों में इन तीनों को भी आप एक दिन दे सकते हैं, तो ये आपका डिवाइड हो गया 2 डेज में, तो ये हो गया 2 डेज मॉड्यूल 3 के लिए, 1 डे हो गया मॉड्यूल 1 के लिए, हमारे पास अभी 4 डेज और बच रहे हैं, 4 दिन अभी और बच रहे हैं मैथ्स के लिए। तो अब 4 दिन हमें क्या कवर करना है कि अब हम आते हैं मॉड्यूल 4 पे। तो मॉड्यूल 4 को हम कैसे करेंगे कि इसमें होता है सेकेंड एंड हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये हम कवर करेंगे एक दिन में, सिर्फ 2 टॉपिक हम कवर करेंगे एक दिन में। एंड मॉड्यूल 4 में एक होता है कि हमें सीएफ फाइंड करना होता है, फिर पीआई फाइंड करना होता है, ये सभी टॉपिक होता है, तो मॉड्यूल 4 हम पैरामीटर तक एक दिन में कवर करेंगे, और इसमें हम थोड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेंगे। तो अगर टाइम बच रहा है, अगर आप आपने एक दिन में कवर कर लिया है और टाइम बच रहा है, तो आप थोड़े इंटीग्रेशन डिफरेंस के फॉर्मूला रिवाइज कर ले, या फिर जो ये टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
क्योंकि इससे क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा, कंफर्म है क्वेश्चन, या फिर अगर सपोज अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो अगर आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ढंग से कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक आइडिया हो गया, एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो आपको एक बेनिफिट है कि हाँ आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिर एक दिन इसमें कवर हो गया। अब जो एक दिन और बच रहा है हमारे पास, तो उसमें हम कर लेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, कॉची एंड लेजेंडर इक्वेशन। तो ये जो दोनों टॉपिक है ये एक ही है, ये पूरा इसी के मतलब एक्सप्लेन किया कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, इसी को हम बोलते हैं कॉची इक्वेशन, एंड जब उसको रिड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेजेंडर इक्वेशन। अब इसमें क्या है, इसमें एक देखिए सकते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यूज है, एंड जो मॉड्यूल 3 है मॉड्यूल 3 में भी यहाँ पे लीनियर है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले अगर मॉड्यूल 3 करेंगे हम लीनियर तो पहले कवर हो जाएगा, तो इसी लीनियर का यूज यहाँ भी है, ये जो लीनियर है इसी का यूज यहाँ भी है। तो अगर मॉड्यूल 3 वाला पहले हो गया तो हमारे पास जब हम मॉड्यूल 4 करेंगे तो हमें इजी होगा करने में लीनियर, और हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। और तो मॉड्यूल 4 हमारे कवर हो गए 2 डेज में, 2 2 4 1 5, हमें हमारे पास 5 दिन कवर हो गए हैं। तो बचते हैं हमारे पास 2 डेज और, टोटल हमारे पास 7 डेज थे, 5 डेज कवर हो गए, बच रहे हमारे पास 7 डेज, 2 डेज और बच रहे हैं। तो हम इन 2 दिन में क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 कवर करना है हमें 2 दिनों में। अब मॉड्यूल 2 से जो हम पहला टॉपिक करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि जो इससे पहले ये है ना सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ये बोलेंजो विस्ट्रॉस थ्योरम, कॉची कन्वर्जेंस, क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ तक जो टॉपिक है ये मुश्किल से आपको हाफ एन आवर और 1 आवर लगेंगे, मुश्किल से 1 आवर में आपका ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला भी नहीं, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन रीड करना है एक बार, और इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है एज अ डेफिनेशन बस, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपको टाइम इसमें देना है कि जो कंपैरिजन टेस्ट हो गया, आप कंपैरिजन टेस्ट का जो डेफिनेशन है कि हाँ क्या क्राइटेरिया होता है कि हम कंपैरिजन टेस्ट कहाँ पे लगाएंगे, क्या केसेस होते हैं, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो गया, देन डी एलमर रेशियो टेस्ट हो गई है, रेबिस टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, पी टेस्ट, कॉची इंटीग्रल, लॉगरिथमिक टेस्ट, अल्टरनेटिव सीरीज, ये जितने भी टेस्ट है ना, ये पावर सीरीज और ये एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनमें क्या है कि आपको हर एक टेस्ट पे आधे घंटे, हर एक टेस्ट आधे घंटे। अब आधे घंटे में कैसे आपको टेस्ट करने हैं, जितने भी टेस्ट इसमें दिए हैं, पी टेस्ट, कॉची टेस्ट, रेबिस टेस्ट और जितने भी टेस्ट हैं, आपको आधे घंटे में से पहले जो 10 मिनट्स होंगे उसमें आपको इसका डेफिनेशन को मीन्स रीड करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये पूछा गया, मतलब जो ये टेस्ट इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। फिर उस टेस्ट के कुछ आपको कंडीशन होंगे कि हाँ ये ग्रेटर देन ये लेस देन, आपको वो रिवाइज करना है कि अच्छा ये होगा तो क्वेश्चन में टेस्ट अप्लाई होगा, टेस्ट वैलिड होगा। फिर आपको एक एग्जाम्पल लेना है, वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है, हो गया टेस्ट खत्म, एक एग्जाम्पल टाइम बच रहा है, 2 एग्जाम्पल, नहीं तो वो टेस्ट खत्म, फिर नेक्स्ट टेस्ट पे आए, फिर वो सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट टेस्ट, ऐसे आधे घंटे मतलब अप्रोक्स तो कितने टेस्ट हो गए। तो ये आपका मॉड्यूल 2 भी 2 दिन में कवर इजिली हो जाएगा। अगर अब इसमें एक और है कि 2 2 4 2 6 7 डेज कवर होगा टोटली, लेकिन अगर अब जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन में इसको कवर करें या फिर 2 2 दिन में ही हर एक कवर करें। अभी हमारे पास ये टॉपिक भी बच रहा है जो है मल्टीपल इंटीग्रेशन एंड ये सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये टॉपिक भी बच रहा है हमारा, लेकिन हमारा 7 दिन इसमें कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे कि जो मॉड्यूल 2 है इसको हम अभी नहीं करेंगे, इन 7 दिनों में हम मॉड्यूल 2 को टच नहीं करेंगे। हमने पहले मॉड्यूल 1 किया, फिर मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 4, हमारे पास 5 दिन कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे मॉड्यूल 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मल्टीपल इंटीग्रेशन से लेकर एंड ये सरफेस एरिया वॉल्यूम तक। अब इसमें हमें कौन से टॉपिक करने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन से करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक। तो अब जैसे कि हमने यूनिट 2 कर लिया, सॉरी मॉड्यूल 3 कर लिया, मॉड्यूल 4 कर लिया, तो हमें इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाना चाहिए अब तक। इन 4 दिनों में हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया है, तो जब आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करने आएंगे, सिंपल क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, आप इजीली कर लेंगे, और वो भी मैक्सिमम 2 आवर्स,
मैक्सिमम 2 घंटे में आप कर लेंगे, कुछ नहीं है, आपको बस इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट करना है। जैसे आपने मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में ये सेम प्रोसेस किया होगा, वो सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होंगे, तो ये आपके 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर जो हमारा मेन आता है वो आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल्स। इस टॉपिक को आपको भी 2 घंटे या फिर ढाई 2.5 आवर दे सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का आगे यहाँ भी यूज होगा, चेंज ऑफ वेरिएबल और ये एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल टू फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस टॉपिक का यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। और अगर आप इसमें 3 घंटे भी दे रहे हैं, 4 घंटे भी दे रहे हैं, तो मतलब हाँ देना पड़ेगा आपको। अगर आप लग रहा है 4 घंटे तो आप दीजिए उसको, क्योंकि आपको हेल्प होगा यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने में, बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपको। फिर ये टॉपिक कवर हो गया, इसमें हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो वेरिएबल होंगे एक्स वाई, जिनसे भी इनको जब चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो आपको इसका थोड़ा बहुत यूज यहाँ भी लगेगा, तो ये पढ़ने में आपको ईजी लगेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और आप जल्दी मतलब कर सकते हैं ये टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये आप 2-2.5 घंटे देंगे एक दिन, तो आपको एक दिन का 5 या 6 घंटे इसमें निकल जाएगा। फिर भी अगर आप अभी अब सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तो आप कैसे भी तो करना ही पड़ेगा, दिन में 6 घंटे दे, 8 घंटे दे, 10 घंटे दे, तो चेंज ऑफ वेरिएबल कार्टेशियन टू पोलर, इससे एक क्वेश्चन आएगा आएगा, मतलब कंफर्म है कि 2 नंबर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इनमें क्या है कि सबसे पहले आपको इनके डायग्राम बनाने सीखने हैं कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, अभी नहीं मतलब बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं सब डिस्कस करूंगा कि हाँ कैसे जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस मैथमेटिक्स में, उनके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर डायग्राम अगर क्वेश्चन दिया है तो हम क्वेश्चन से कैसे डायग्राम बनाते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ये एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल टू फाइंड सरफेस एरिया, ये भी आपका 2 दिनों में कवर हो जाना चाहिए। तो हमें मॉड्यूल 1 को टोटल 3 दिन दिए, 3, और मॉड्यूल 2 अभी टच नहीं किया हमने, तो हमारे टोटल 7 डेज कवर हो चुके हैं। हमने मॉड्यूल 2 को टच नहीं किया है, हमारे टोटल 7 डेज कवर हो चुके हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम मॉड्यूल 2 कैसे कवर करें। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 दिन बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम के बीच वाले गैप, ये 2 दिन ये बचेंगे, और हमारे पास हाफ डे और होता है, वो होता है जब हम जो हमारा मैथमेटिक्स से पहले एग्जाम होगा, जब हम वो हमारा एग्जाम वो 12:30 या फिर 1 o'clock खत्म होता है, तो हम आएंगे, लंच करेंगे या फिर रेस्ट करेंगे, और वो मतलब जिस दिन हमारा मैथ से पहले जो एग्जाम होगा, उस दिन हम इवनिंग टाइम में हम मॉड्यूल 2 कर सकते हैं। उस दिन हम इवनिंग टाइम में यहाँ जो है कन्वर्जेंस तक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो हम मॉड्यूल 2 कवर कर ही सकते हैं। अगर यहाँ तक नहीं होगा, अगर यहाँ तक हो गया है, तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो मिनिमम यहाँ तक करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट डे होगा हमारा, अब इन इन 2 डेज में से 1 1 डेज हो गया, तो जो लास्ट का 1 डे होगा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ओनली क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो भी अगर क्वेश्चन बैंक है या फिर कोई बुक है, स्पेक्ट्रम है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ओनली क्वेश्चन, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना लास्ट डे में। और ये जो हमारा ये एक दिन है लास्ट डे से पहले वाला, एग्जाम से जो एक दिन पहले है, एग्जाम से 2 दिन पहले वाला जो ये डे है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बच रहा है टेस्ट, इस टेस्ट को हम कवर करेंगे एक दिन में, और ये एक दिन में बहुत इजीली कवर हो जाएगा। हमें हर एक टेस्ट को हाफ एन आवर देना है, हाफ एन आवर हर एक टेस्ट को। उसमें से मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 10 मिनट्स के हम टेस्ट के पहले फॉर्मूला देखेंगे कि अच्छा इसमें ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्वेश्चन होगा तो अप्लाई करना है, और 20 मिनट्स में एक या दो एग्जाम्पल करेंगे, डेट्स इट। और ऐसे करके हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो मीन्स 90% कवर हो जाएगा हमारा। 90 क्या, अगर आप ढंग से टाइम देंगे तो 100% भी कवर हो जाएगा। हमारे पास टाइम बहुत है और हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है मैथ्स का सिलेबस कवर करना, बस आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा। पूरे जितने भी 4 मॉड्यूल है, सबसे मेन है इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसका यूज हर एक मॉड्यूल में है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, चारों मॉड्यूल में यूज है। और आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर अप्लाई होगा, दोनों अप्लाई होंगे या फिर कोई एक भी अप्लाई हो सकता है। तो अब इंटीग्रेशन में है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन में बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हमें सबको पढ़ना है या फिर कुछ पढ़ना है या फिर कितने कौन कौन से पढ़ने हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो
समझ में आया हो कि हाँ सिलेबस कैसे कवर करना है, और मे बी आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे तो आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है, तो आप और भी अच्छी तरह मैथ्स का सिलेबस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उनको ये मे बी हेल्प करें। और ये जो जितना भी ओवरव्यू है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मे बी आपका जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो कुछ और हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।